है इतना फ्रिज के मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये लीजा को ज्यादा स्पीड है। 1 2 यू आर नॉट इन। हेलो गाइस, वेलकम टू फेसबुक भैया। आज फेसबुक में ओपन करेंगे टीयर 1 से टीयर 3 सारे आइटम यूज करेंगे, मतलब एक गेम में टीयर 1 वाले आइटम, एक गेम में टीयर 2 वाले, एक गेम में टीयर 3 वाले आइटम, ये सारे आइटम अपन यूज करेंगे। ओके, काम करते हैं गाइस। मैप सेम लेकिन इक्विपमेंट अलग अलग, मतलब टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 लेकिन मैप सेम, ठीक है। तो या अभी टीयर 1 वाला आइटम है, इसके बाद टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 वाले आइटम आर एक्चुअली वेरी वेरी यूजलेस। सबसे पहले ये लाइट ऑन करो, अगर ब्रेकर गैराज में नहीं है तो वो बेसमेंट में, इट इज दैट सिंपल। दिस डोर लुक्स सस्पिशियस, दैट्स अ बोन, दैट इज अ बोन। तो मेरे को बोन मिल गया, इसको ना यहाँ पे प्लेस करो, लेट्स गो एंड ये लेके आते हैं। कितना नकली है देखो, कितना नकली है। जो टीयर 3 का है ना वो इससे 3 टाइम्स बिगर, मतलब पूरा स्क्रीन वो कवर कर लेते, तो इसीलिए वो लोग को टीयर 1 वाला नकली बनाना पड़ा, जानबूझ के वो लोग को नकली बनाना पड़ा। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज अगर तुम ग्राइंड करके टीयर 3 वाले आइटम लेते हो ना तो तुम्हें मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बाबा इट वॉज वर्थ ग्राइंडिंग फॉर टीयर 3 वाले आइटम्स, मतलब है ना सच्ची में मजा आता था भाई। टीयर 3 वाले आइटम है भाई ग्राइंड करने लायक, ऑब्स ढूंढना इसमें भाई एक चैलेंज है भाई। ग्लो स्टिक, ओ फिंगरप्रिंट वाला कोर्स है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट है। एक फिंगरप्रिंट है यहाँ, हाँ फिंगरप्रिंट है। डिजिटल का इंट्रैक्शन आया तो एक और फोटो ले सकते थे लेकिन नहीं, फिंगरप्रिंट है, मतलब ये है गोस्ट रूम। कितना स्लो है ये कैमरा भाई, अभी मैंने टीयर 3 वाला आइटम यूज किया था, बहुत स्लो कैमरा है भाई ये। हाँ ना, और देखो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना ये ग्लो स्टिक, उसकी वजह से वो फिंगरप्रिंट चार्ज हो रहा है, तो मेरे को चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चार्ज का मतलब ये है अपडेट के बाद ही ऐसा हो गया है। तुम पहले क्या कैसे कर सकते थे, दो फोटो लेते थे और एक फिंगरप्रिंट आता था, एक इंट्रैक्शन आता था, अभी वैसा नहीं है। अभी तुम्हें एक अगर डोर का फोटो लिया तो इंट्रैक्शन आएगा, और तुम्हें फिंगरप्रिंट चाहिए तो तुम्हें पहले ग्लो स्टिक से चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुम फिंगरप्रिंट वाला फोटो ले सकते। अगर तुमने स्पैम करने का कोशिश किया तो दूसरा वाला फोटो नहीं आएगा। अभी देखो वो कैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं गोस्ट में जाऊंगा ना तो कैसे देखो स्पीड में नीचे जा रहा है, देख लो। दिस इज वेरी ओपी एंड वेरी हेल्पफुल। क्या तुमने राइटिंग कर दिया, मैं मोशन को यहाँ पर रखता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वो बाहर जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। पैराबोलिक रिस्की है क्यों पता नहीं। ओके, पैराबोलिक रिस्की है। हेलो, नहीं 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 ना ही पैराबोलिक रिस्की इसलिए है क्योंकि जब तुम पैराबोलिक यूज करते हो आजू बाजू का साउंड पूरा खत्म हो जाता है, सिर्फ पैराबोलिक जहां पे पॉइंट कर रहा है वही का साउंड आएगा, तो इट इज रिस्की टू यूज। तो भाई स्टॉप में डर गया, उसने अभी लिटरली ये किया, ये जो है ना ये हंसा अभी, ये हंसा, ये टेडी बेयर हंसा, गंदा टेडी बेयर। तो ब्रेकर बंद कर दिया यार, क्या गंदा गोश्त है यार। आर यू वाके और समथिंग, वन टू यू आर नॉट इन। मैं अगर तुमको पता नहीं है, अगर तुमको दिख नहीं रहा मेरे एक्सप्रेशन से, तो यस गाइस मैं बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि वो लिटरली मेरे फेस पे आई भाई। तो लीजा हट कर दिए, अरे इंटरेक्शन
ये तो ऑलमोस्ट परफेक्ट गेम हो जाता है यार। मुझे लगा फर्स्ट फोटो इंटरेक्शन आया इसलिए मैं दूसरा फोटो लिया, लेकिन फर्स्ट फोटो फिंगरप्रिंट था। लूप करके पता लगाएंगे कि ये गोस्ट कौन सा है। उसने अभी इवेंट उधर दिया है, अगर हंट किया तो उधर से करेगा। I don't like that. ये बैठ के आती है ना, मुझे पसंद नहीं। मैं बैठने वाली लीजा को लूप नहीं करता भाई। जस्ट नहीं, नहीं। जहां से इवेंट खत्म हुआ उधर से उसने हंट किया। गोस्ट है मुझे नहीं पता भाई। गोस्ट ऑर्ब यहाँ पर देख रहे हो वो गोस्ट ऑर्ब। तो मैंने उसको अभी समझ किया तो उसको टाइम लगेगा। तो दिस इज गोस्ट ऑर्ब, तो इट इज अ बैंशी हॉन्टू। आई थिंक दिस हैज टू बी अ बैंशी। लेकिन फिर ये स्पीड क्यों थी क्योंकि ये हॉन्टू है। चलो भागो भागो, कितना क्रिस के मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। ये लीजा का ज्यादा स्पीड है, ये ज्यादा स्पीड है। हॉन्टू के लिए भी बहुत स्पीड है। ब्रेकर ऑन है भाई, ऐसा भी नहीं ब्रेकर ऑफ है इसलिए स्पीड है। एक चीज करता हूं मैं, एक चीज करने देती भी नहीं है जो लड़की। कितना स्पीड, प्लीज ये डिवीजन है। मैं मर गया मतलब ये मैंने क्या। मैं बोला ना मुझे लगा था कुछ गड़बड़े करके ना। क्यों क्यों भाई क्यों भाई, मुझे लगा हॉन्टू है इतनी स्पीड में आई। लेकिन फिर मेरे पास उतने एरिया में लूप करने को जगह ही नहीं है। मैंने इसको पहले दो बार लूप किया और दोनों में वो स्पीड था तो मुझे लगा कि हॉन्टू हो सकता है बट नहीं। और मैंने मिमिक के लिए स्पिरिट बॉक्स में बात कर रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा। गंदा गोस्ट, देखो उसने 5-7 बार हंट किया उसने भाई साहब। देखो गाइस लीजा आती है ना तो हमेशा मरने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में भी है ना मैं लीजा से मर गया था जो एक मिमिक थी। और इस वाले में भी चलो पिछली वीडियो में लास्ट टाइम लीजा आई थी, इसमें तो पहली बार में ही लीजा आ गई भाई। क्या चीटिंग है भाई, ये तो चीटिंग है। और मैंने मैंने डिसाइड किया अपन टैंगल वुडी खेलेंगे और सारे अभी लेवल 2 वाले आइटम है, मतलब टीयर 2 वाले आइटम है सारे। ये टीयर 2 वाले से तुम फेमिलियर होंगे, जो कि बाकी है मतलब सब नॉर्मल ही है, अपने जो पहले था वैसा ही है। बट ये जो वीडियो कैमरा है ना बहुत बेटर लग रहा है, पहले से बहुत बेटर लग रहा है अगर तुम है ना कंपेयर करोगे तो। मुझे ना मतलब इतना टाइम से मैंने ये वीडियो कैमरा यूज़ किया है ना तो स्लाइटली भी चेंज हो गया ना तो समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पहले से बेटर लग रहा है। ये मैं फोटो कैमरा एंड टॉर्च, यू नो व्हाई, बिकॉज आई लाइक फोटो लेना मेरे को पसंद है। पिछली बार परफेक्ट गेम ऑलमोस्ट हो गया, मेरे को ना लगा था कि भाई मतलब ना मेरे को लग ही रहा था पिछली बार कि भाई ये हॉन्टू से ज्यादा स्पीड है एंड इट वाज डेफिनेटली समबडी एल्स, मतलब इट वाज नॉट इवन ओके ब्रेक। ये मिल गया मेरे को, इट वाज नॉट इवन अ हॉन्टू, इट वाज अ मिमिक। मुझे ऐसा लगा था कि एक बारी में वो थे बन गया मेरे सच्ची। एक और चीज जिसको भी नहीं पता है, दो चीज न्यू है जो मैं बार बार बताना चाहूंगा। एक
तुम्हें अगर फ्रीजिंग ब्रेथ आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीजिंग है, तुम्हें एक्चुअली वो फ्रीजिंग वाले गन से चेक करना है कि भाई फ्रीजिंग है कि नहीं। और दूसरी बात, ये जो फोटो कैमरा है ना, उसमें पहले सिर्फ 5 फोटोज आते थे, लेकिन अभी एक फोटो में अनलिमिटेड मतलब फोटोज तुम खींच सकते हो, और बेसिकली तुम्हें सिर्फ 10 ही फोटोज चाहिए, समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले अपन ये लेके जाएंगे, बिकॉज हर जगह पे फ्रीजिंग है, अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे फ्रीजिंग ब्रेथ आ रहा है, हर जगह पे फ्रीजिंग है बिकॉज ये। और ऐसे में हॉन्टू इज द मोस्ट डेंजर गोस्ट, क्योंकि वो फिर तुम्हें तो पता ही है जहाँ पे फ्रीजिंग होगा वहाँ पे हॉन्टू बहुत स्पीड होगा, और अगर पूरे घर में फ्रीजिंग है तो समझ जाओ दिस इज द गोस्ट रूम। और एक और चीज न्यू है जो किसी को पता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन गोस्ट जो है वो तुम्हारा कैमरा फेंक सकता है, मतलब लिटरली नीचे फेंक सकता है। तो अगर कभी तुम्हारा कैमरा नीचे गिरा है ना गोस्ट ने, तुम उसका फोटो ले सकते हो, वो एक इंट्रैक्शन है। जस्ट जो कॉपे गेम करने वाले लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। और सॉल्ट को यहाँ पर प्लेस करो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, तीनों में से कितने भी जाएगा अपने को पता चल जाएगा। तो फेंक दो, एंड उसने डर्टी वाटर दिया, उसका फोटो ले सकते हैं। इसमें एक रेड कलर का लेजर आ रहा है, तो है ना अभी इसको अपन टच करेंगे ना, तो ये देखो 2 लेजर आ गए। अभी जिधर भी गोश्त जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल गोश्त इधर है तो एक बार चलेगा, अगर इधर है तो देखो देख लो, देखो अपने को दिखाता है कि गोश्त का एक्चुअल लोकेशन क्या है। दैट इज वेरी ओपी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये डर्टी वाटर का फोटो ले लेता हूँ, और फोटो कैमरा एंड डर्टी वाटर का नाइस। The problem with this update is, उसने इतनी जल्दी पैराबोलिक दे दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है पता है, पैराबोलिक तुम ऑन करते हो ना, तुम्हारे आजू बाजू का सारा साउंड बंद हो जाता है, और तुम्हें सिर्फ वही साउंड आता है जहां पे तुम्हारा पैराबोलिक है। अभी हंट हुआ इसलिए भाग गया और हंट का आवाज भी कितना जोर से था भाई, मैंने पैराबोलिक फेंक ही दिया भाई। बट इतने जल्दी हंट कैसे कर रहा है, मेरे को मेरा सैनिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि सैनिटी के हिसाब से भी तुम बहुत सारे गोस्ट को फिगर आउट कर सकते हो। हंट खत्म हो गया, सबसे पहली चीज ये करूंगा, मेरे को जाकर चेक करना है कि ये सैनिटी क्या है मेरी। पहली बात तो मैं शॉक्ड हूं कि मेरी सैनिटी 95% है, और दूसरी बात, दिस इज अ डीमन, मिमिक हंट कर सकता है एज अ डीमन, लेकिन मुझे नहीं लगता और कोई हंट करेगा इतने रेंज में। दिस इज अ मिमिक, आई डोंट इवन हैव टू टेस्ट दिस, दिस इज अ 100% अ मिमिक, क्योंकि ये मिमिक है ना। एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, ये मिमिक डीमन बन गया था और इसने हंट किया। दैट इससे बेटर मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं भाई, समझ रहे हो। 100% गोस्ट पे डीमन हंट करता है, वो भी डीमन 100% पे सिर्फ तभी हंट करता है जब वो एक स्पेशल एबिलिटी यूज करता है। उसका है ना स्पेशल एबिलिटी है कि वो डायरेक्ट हंट करेगा, नहीं तो है ना वो 80% पे हंट शुरू करता है, उसका नॉर्मल हंट होता है 80 पे। एक चीज कर सकता हूँ मैं, दैट इज चेक वेयर द गोस्ट टॉप इज, बिकॉज दैट इज द गोस्ट टॉप, दिस इज द गोस्ट टॉप, मतलब यही गोस्ट टॉप है। बात करो, अगर बात किया तो ये मिमिक है। आर यू क्लोज, आर यू फ्रेंडली, आर यू गुड, दैट इज इंसेंस वॉइस, एंड यस देखा। एंड दिस बीइंग अ मिमिक फ्रीजिंग भी होना चाहिए, तू मेरे को फ्रीजिंग दे, देख फ्रीजिंग -2.0, पिछली बार -2.0 आया था, 2.0 बोल रहा हूँ सॉरी, -0.2 माइनस आया, तो समझ जाओ कि फ्रीजिंग है। दिस इज अ टीम, दिस इज अ मिमिक, आई इट हैज टू बी सो इजी, आई डोंट नो, but if it is that easy, let's do a perfect game. What is my cursed object?
पूरा गेम खत्म होने आ रहा है और मैं कवर सब जगह अभी ढूंढ रहा हूँ भाई। इट्स नॉट दिस थिंग, जा बोर्ड है, परफेक्ट गेम हो गया जी। ओके चलो भाई परफेक्ट गेम हो जाएगा। इसको प्रॉपर ऐसे रखो ठीक है, ये लो एक फोटो इसको रखो एंड वेर आर यू टी आई डाइनिंग बोर्ड है ये काम कैसे नहीं करना जबकि वो उधर हाइड एंड सीक। लिटरली उधर दिख रहा है कि भाई डी है, कौन है तू डीजा क्यों आजा 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 चल 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 बात भाई लिटरली दिख रहा है कि भाई ये इंट्रैक्शन है तो क्यों नहीं फोटो आया भाई। मेरे को तो भाई खेलना ही नहीं भाई, चीटिंग करते ये आदमो वाले इतने बग्स डाल के रखे हैं ना गेम के अंदर। देखो अभी सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, ये वाले ऑब्जेक्टिव का हंट खत्म होगा ना मुझे पता चल जाएगा कि भाई हंट खत्म हो गया है ठीक है। मैंने उसको रिपेल किया, उसने मेरे को घोषने मेरे को देखा और हंट जब खत्म होता है ये टिक मार्क हो जाता है, टिक मार्क हो गया हंट खत्म। बूम बैम I would be a little bit happy कि ये परफेक्ट गेम हो जाता बट कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे चलता ही चलता। लीजा थी मैं बच गया, दैट इज वेरी गुड। फिर से मिमिक आ गया भाई, पिछले मैच में मिमिक, इधर भी मिमिक, मतलब मिमिक की भाई फ्री ऑफ सप्लाई है भाई लगता है भाई। एक्सपीरियंस देखो ना खतरनाक मिला मेरे को। डिटेल्स में जाओ देखो एबिलिटीज यूज होगी 15 एबिलिटी यूज, बाप रे ऐसे क्या किया तूने। बट ये डीमन बन के हंट किया वो तो पक्का है क्योंकि डीमन इंस्टा हंट करता है वो उसकी एबिलिटी है और इसने वो डीमन की एबिलिटी यूज करी, वेरी बैड बिहेवियर। और इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कभी कभी कि भाई सैनिटी से अपन पता लगा सकते हैं, अगर मैंने सैनिटी चेक नहीं करी होती ना तो मुझे पता नहीं चलता कि भाई वो डीमन है या फिर वो थे या फिर वो मिमिक है। क्रिसमस क्लेंस एंड ईएमएफ एंड यस इस बार अपने पास सारे लेवल 3 वाले आइटम है तो मजा ही मजा आएगा भाई। भाई इस बार भी मिमिक आ जाए ना हैट्रिक हो जाएगी, मिमिक की हैट्रिक मजा आएगा। आ जाओ भाई आ जाओ जस्ट फॉर द कंटेंट प्लीज। रिपेयर ऑन होने के बाद कितना ये लगता है यार, ब्राइट लगता है वो। ओके द फोन इज राइट हियर, ये वाला कैमरा बहुत ओके, मुझे बहुत पसंद है भाई। मुझे टीयर 2 वाला और टीयर दैट इज EMF 5 इंस्टेंट EMF 5 भाई नाइस। देख रहे ये है EMF 5, देखो ऊपर जो लाइन था 5 लाइन है 1 2 3 4 5 देखो ठीक है दैट इज EMF 5। इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई दिस इज द गोस्ट बट EMF 5 है तो इस बार मिमिक तो नहीं है यार, आई एम रियली सॉरी बट यस। Okay, this is the ghost. Breaker बंद किया, it's not a gin, ठीक है? तीन ghost का पता ऐसे ही लग गया, sword पे पैर दिया, not a wraith, breaker बंद किया, not a gin, and Oni, because उसने airball event दिया, तो Oni भी नहीं हो सकता। तीन ghost हट गए, और तीन में से दो ghost तो dot वाले हैं literally, मतलब dot, बहुत rare है कि भाई dot होगा, as a object, ये event. As an evidence, dots होगा ऐसा rare लग रहा है मेरे को, नहीं लग रहा। Ghost और रहा तो उबा के पक्का। एक, दो, please आ जाओ। Interaction, ghost starting. Thank you very much. डिस्टर्ब सॉल्ट क्लेंस करना है और क्रूसिफिक्स करना है ओके ये भी हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील।
ओके दिस इज लुकिंग प्रॉमिसिंग कि भाई ये पंप गेम हो सकता है करके मानना ये में फाइव था एंड देखो बूस्ट ऑर्ब और डॉट्स नहीं मिलेगा तो एक तो ये फिंगरप्रिंट देगा या फिर ये स्पिरिट पर्सन बात करेगा या फिर ये फ्रीजिंग होगा सबसे पहले क्या करेंगे अपन फ्रीजिंग चेक करेंगे दिस दिस थिंग आई थिंक ये फ्रीजिंग होगा जब तक माइनस नहीं आता ना तब तक नहीं बोलता तभी देखो 0.0 है लेकिन माइनस नहीं तब तक वी कांट बी श्योर कि भाई ये फ्रीजिंग है जब तक माइनस नहीं आता तब तक मैं काम करता हूँ मेरे को मरने का नहीं है मैं ना क्रूसिफिक्स ले जाता और क्लेंस भी कर देंगे 74 सैनिटी है शेड हंट करेगा 35 सैनिटी का बहुत टाइम है शेड को हंट करने को बट स्टिल क्रूसिफिक्स रख सकते हैं क्योंकि ये ना अगर शेड नहीं हुआ तो ये क्रूसिफिक्स का रेडियस है ना 5 मीटर है इंस्टेंस देखो यहाँ से उधर तक देखो उधर तक भाई ओपी भाई ये ओपी है अरे ये बोस्टू है अभी माइनस में आया देखो अभी माइनस में आया यू ऑलवेज हैव टू बी श्योर कि भाई ये एक्चुअली मतलब फ्रीजिंग है करके तो या देयर यू हैव इट वी गॉट द गोस्ट करेक्ट The only cheese that we want is perfect photo. इसके लिए दो ही फोटो चाहिए राइट क्रूसिफिक्स यूज करके हंट करेगा तो परफेक्ट गेम हो जाएगा शेड से मरने में जो मजा है वो मजा उधर क्या कर रहा है वो हेलो इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ भाग क्या रुकने का डबल बैक करता है ये ले मैं मर गया शायद शायद मैं मर गया व्हाट एम आई डूइंग फिल्स व्हाट वाज दिस क्यों करता हूँ मैं ऐसे तो भाई क्रूसिफिक्स यूज करने वाला है नहीं बिकॉज तू ये है ये वाला डोट क्रॉस बिकॉज तू एक शेड है और मेरा टैरेट कार्ड भी खत्म हो गया है या खत्म हो गया ये एक बचा हुआ है हैंगमैन प्लीज आई डिजर्व इट मम्मी अच्छा खासा थंबनेल चला गया मेरा तेल तो Bye bye. I don't want. I will never see you. This crucifix, by the way, can literally stop a curse hunt. मतलब अगर है ना death card निकला और ghost है ना hunt कर रहे हैं, तो अगर मैंने crucifix ghost room में रखा, तो वो है ना literally crucifix use कर लेगा, लेकिन मैं बच जाऊँगा. Hunt नहीं होगा. जब भी death वाला card आया ना, उसके पहले devil वाला card आया था. तो devil वाले card में इवेंट आता है गोस्ट इवेंट आता है अब गोस्ट जब है ना ओनी वाला इवेंट छोड़ के मतलब एयरबॉल इवेंट छोड़ के कोई और इवेंट में मतलब लिटरली अगर वो उधर प्रेजेंट है ना तो अगर हंट हुआ थोड़ी देर में तो उधर से ही हंट होगा जिधर गोस्ट है तो इसीलिए ये वाले केस में उधर से ही हंट हुआ जिधर गोस्ट था ना कि गोस्ट रूम से जहां पे क्रूसिफिक्स था इतना अच्छा ज्ञान तुमको कौन और कौन देगा बताओ मेरे को चलो फटाक से सब्सक्राइब कर दो चलो मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ बोलता नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ और आरआईपी फॉर परफेक्ट गेम प्लीज ऐसा लिख देना आरआईपी परफेक्ट गेम लिख देना मेरे दिल को खुशी हो जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यस दैट इज इट 99 का आधा हो गया मुझे लगा चलो 99 100 हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ It's good because मैं स्ट्रीम पे मेरे को प्रेस्टीज करना है तो सैटरडे वाले स्ट्रीम पे मैं प्रेस्टीज कर दूंगा अगर तुमने मिस कर दिया तो जाके चेकआउट कर लेना क्योंकि जब तक ये वीडियो आ रहा है तब तक सैटरडे वाला स्ट्रीम हो भी चुका होगा तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय 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 बाय